हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुणाल। आज क्या देखेंगे हम लोग ड्यूल नेचर में, तो हमारे पास ना 3 क्वेश्चन हमारे पास 2014 का है, 13 का है, 13 का है। तो पिछली वीडियो में हमने काफ़ी सारी बातें की भी हैं, तो इस वीडियो में थोड़ी कम बातें करके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और प्लीज़ आपके सजेशन मोस्ट वेलकम, मैं हर वीडियो में कहता हूँ ऐसा। तो अब ऐसा नहीं कि इस वीडियो को मैंने अभी अपलोड किया है, कुछ 6 महीने बाद देखे सर इस क्वेश्चन को आपने नहीं बताया। अरे भाई, 6 महीने बाद एग्जामिनेशन वर्ड हो गया होगा, और इस सब सीरीज भी हमारा लगातार चलता रहेगा जब तक एग्जामिनेशन है। वैसे 2018 का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने नहीं दिया है, जो हम लोगों ने अप्रैल में देने का बोला है, मैंने बोला है, मतलब हमने क्या, मैंने बोला है। ओके, बार बार मुझे लगता है सबका चैनल है, तो इसलिए मैं हम बोलता हूँ। तो ये हो गया मेरे पास हमारा ये जो 3 क्वेश्चन, और क्या कह रहा था मैं, 2018 का क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि अप्रैल में मैं दूंगा। उसके बाद फिर हमारे पास बचता है क्या, नेक्स्ट 19 का क्वेश्चन, 20 का क्वेश्चन। तो जैसे जैसे ईयर खत्म होते चले जाएंगे, मैं उनके क्वेश्चन से अपलोड करते चला जाऊंगा, ठीक है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं उसको अपलोड नहीं करूंगा, तो आने वाले बच्चों को उससे फायदा होता चला जाएगा। और जो इसमें लास्ट के वीडियोज रहते हैं उनको ना देखे करेंगे, वो जो पिछला अपना जो 30 साल का पहले का होगा, जो 2022 में बच्चे होंगे, वो अपने 30 साल पहले का क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि मैं अभी जो 30 साल पहले का क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो मैं बहुत पहले जाता हूँ, है ना, मैं 89 1882 तक चला जाता हूँ, 88 तक चला जाता हूँ, तो वहां तक वो ना देखिए। तो दिस इज द थिंग, वो अपने कॉमन सेंस से बेस्ड है। आई नो कि कॉमन सेंस बहुत अनकॉमन है, लेकिन चलो ठीक है, मेरे पास थोड़ा कमी है कि नहीं, तो कम कम कॉमन सेंस वाले अब मेडिकल को फोड़ेंगे मिलकर के। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है यार, भूल गया, 13 क्वेश्चन है, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। दिख रहा होगा, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज द इंक्रीज टू 16 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू। चलो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग 16 गुना बढ़ा दिए। The percentage change in the de Broglie wavelength of particle is, अब देखो पिछले वीडियो में ही मैंने बताया है, देख रहे हो ना क्वेश्चन कितने अच्छे से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला याद किया, क्या याद किया, lambda is equal to h upon p, इसी को आपने याद किया lambda is equal to h upon mv, इसी को आपने याद किया lambda is equal to h upon root under 2m, के या फिर e मैं लेता हूँ, इधर से याद किया। अभी मैंने लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने बताया था 12.27 एंगस्ट्रॉम अगर होता है तो अंडर रूट में काइनेटिक एनर्जी इफ यू हैव इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काफी सारे फॉर्मूलाज हैं, एक ही से डिराइव होते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि एक ही फॉर्मूला पे काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं। क्या पूछा है इसमें, तो अभी इसका जरूरत नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अभी क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया हम लोगों ने, इस फॉर्मूला का काम है हमें 16 गुना परसेंटेज चेंज इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा पार्टिकल का, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो चलो देखो कैसे बनता है क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स सी। तो लैम्डा वन अगर जो है हमारे पास है, वो क्या लिखा है, एच अपॉन रूट अंडर 2m, तो सेम है, ई ले लेता हूं मैं, और ई को मैं कर देता हूं e1, e1 रखूं, हाँ e1 लेता हूं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि e1 जो है मेरे पास, अगर मैं मान लेता हूं ये e है, तो e2 जो है वो मेरे पास कितना है, 16e है, 16 गुना बढ़ गया, तो बस इसको ध्यान रखना, ये चीज़ है। E1 मेरे पास E है, लैम्डा 2 देखते हैं, लैम्डा 2 कितना है भाई, लैम्डा 2 है H अपॉन 16 E है मेरे पास, इसका मतलब क्या है, 16 को बाहर लेके आते हैं, क्या हो गए, एच अपॉन 4 रूट अंडर 2ME। अब देखो ये 2ME जो ये है, ये जो तुम्हारा इत सेम है, लैम्डा है ना, लैम्डा 1 है, लैम्डा 1/4 लिखाएगा, क्या पता चला कि लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1/4 है ना, लैम्डा 2 जो है वो लैम्डा 1/4 है। अब देखो क्या हुआ कि 1/4 जो होता है वो 25% होता है, तो परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं पूछ रहा, कुछ बताया नहीं गया ना। अब देखो डिवीजन में है, अगर मेरे पास लैम्डा 2 जो आया है वो 1/4 ऑफ लैम्डा आया है, लैम्डा 1 का 1/4 अगर करेंगे तो लैम्डा 2 आएगा, यानी 1/4 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज भी चेंज हो जाएगा, यानी कि 25% ऑफ लैम्डा 1, लैम्डा 2 इज 25% ऑफ लैम्डा 1। अब कोई बोलेगा सर अगर 4 लैम्डा 1 आता तो, चलो देख लो, अगर 4 लैम्डा 1 आता मेरे पास, अगर मेरे पास ये 4 लैम्डा 1 आता तो क्या बोलते हैं, देखो मैंने आंसर बता दिया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, कोई कंफ्यूज मत हो जाना, बोलना कि इसका जो आंसर आया सर इसका ऑप्शन भी नहीं है कुछ भी, ठीक है। 4 लैम्डा 1 था, क्या करता मैं, 4 ऑफ लैम्डा 1 करता। अब देखो मैं बोलता ना 4 गुना बढ़ गया लैम्डा 1 से, 4 गुना मतलब क्या हुआ, यानी लैम्डा 2 जो है वो लैम्डा 1 का 4 गुना है, यानी कि 4 लैम्डा को मिलाएंगे, लैम्डा 1 को मिलाएंगे, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 करेंगे
तो जाके लैम्डा टू आएगा, तो जाके मेरे पास लैम्डा टू आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये पूरी तरह से 100% मिला रहे हैं ना, इसको तो मैं ऐसा नहीं कर कि लैम्डा वन है लैम्डा वन का 20% मिलाता हूँ, इस लैम्डा वन का मैं 50% मिलाता हूँ, ऐसा नहीं, मैं पूरा पूरा का पूरा लैम्डा वन को जोड़ रहा हूँ, लैम्डा वन प्लस लैम्डा वन प्लस लैम्डा वन प्लस लैम्डा वन, यानी कि 100% प्लस 100% प्लस 100%, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए 100%। तो मैं सबको जोड़ रहा हूँ ना, अगर मैं सबको जोड़ रहा हूँ तो 400% आएगा ना, तो यही 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 400% ऑफ लैम्डा वन। तो इधर से देखना चाहिए 400% मतलब क्या होता है, 4 गुना। अगर कोई बोले कि 120% इंक्रीमेंट हुआ है, कहने का मतलब क्या, 1.2 गुना हो गया है। कहने का मतलब क्या होता है, समझो इस बात को, मैं एक बार इस परसेंटेज का थ्योरी को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है कभी कभी प्रकार से बच्चों को, मैं बताता हूँ। मान लेते हैं एक क्लास था, क्लास में सम वॉट बच्चे 50 थे, एक क्लास जब वही क्लास 2 साल बाद देखा गया, 2 ईयर्स के बाद देखा गया, आफ्टर 2 ईयर्स आफ्टर देखा गया इस क्लास को जब देखा गया, तो इस क्लास में ना 120% बच्चों की इंक्रीमेंट हो गई। 120% बच्चों का इंक्रीमेंट हो गया कहने का मतलब क्या होता है कि 120 मल्टीप्लाइड बाय 50 नहीं कर दोगे, ध्यान रखना 120 को पहले तुम 100 से डिवाइड करोगे। देखो जिन बच्चों को पता है वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेल डन, कीप इट अप, वीडियो बंद कर दीजिए। लेकिन हाँ जिन बच्चों को नहीं पता है प्लीज ध्यान से देखिए, 120 अपॉन नहीं वीडियो बंद कीजिएगा, इसके बाद आदि को और भी क्वेश्चन है स्किप कर सकते हैं वो, तो 120 अपॉन 100 ये हो जाएगा 1.2 इंक्रीमेंट हुआ है 50 में, तो उसको 50 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिखाएगा ये मेरे पास 60, तो यहाँ पे हो गया ये 60। अब जरा कोई बोले कि सर 60 तो आपने लिख दिया, मुझे ऐसे करने का मन नहीं है, तो क्या कहोगे, चलो एक और तरीका दिखाता हूँ, बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, 120% इंक्रीज हुआ है ना, तो पहले से तो 100% था ही, पहले से 100% था, 20% इंक्रीज हुआ, तो 50 का 10% 5 होता है, और एक और 10% क्या होता है 5 होता है, तो 2 10% मिला के 10 हो गया, ये हुआ 20%, तो यही ना इंक्रीज हुआ है, 100 तो पहले से था, तो 10 अगर 50 में चलो 60 होगा ना, ऐसे ही बहुत लोग करते हैं, तो दे आर मेनी क्या बोलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल है ना, तो अपने अपने ढंग से लोग अपना अपना थ्योरी लगाते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, और सारी की सारी चीजें सही है, कोई भी एक दूसरे गलत नहीं है, ठीक है, सब सही है, आपको जो भा जाए आपको ऐसा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा होगा क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा, 13 का आंसर क्या होगा, 25%। क्वेश्चन क्या है, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑफ फ्रॉम सर्टेन मेटल की फोटो इफेक्ट हो रहा है, द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज म्यू, इफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 2 μ इम्पिंजेंस ऑन द मेटल प्लेट, कट ऑफ दिया हुआ है 2 μ का फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आता है, इम्पिंजेंस यानी कि उसके ऊपर अटैक करता है, इंसिडेंट होता है, द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी, क्या होगा मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा मैक्सिमम। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, देखो मैं उसी क्वेश्चन उसी वीडियो में ज्यादातर एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ जहां पे क्वेश्चन थोड़े से इजी होते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर, अब जरा ध्यान समझो इस बात को, कहता है ना कि मेरे पास जो मेटल सरफेस है ना, एक बार फिर ध्यान से देखो लाइन में पढ़ता हूँ, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन के लिए सर्टेन मटेरियल है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू है, अगर इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू है, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, कैसे हम बोलते हैं ना कि कट ऑफ वेवलेंथ, दैट इज नोन एज हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, फाइ जिसे कहते हैं हम लोग, वर्क फंक्शन जिसे कहते हैं, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी भी तो वही उसी एनर्जी से रिलेटेड है जो कि हमारे पास फाइ है, जो कि वर्क फंक्शन है। अगर हमें म्यू एनर्जी चाहिए होता है इसे तोड़ने के लिए, और 2 μ का एनर्जी आके टकरा रहा है, तो कितना म्यू एनर्जी बचेगा, म्यू एनर्जी बचेगा, म्यू मतलब क्या, म्यू एनर्जी नहीं है, म्यू फ्रीक्वेंसी है, एक शॉर्टकट रूप में मैं बोल रहा हूँ, क्या मतलब हो गया इसका, मतलब एच म्यू एनर्जी यहाँ पे चाहिए तोड़ने के लिए, दिस इज फाइव वर्क फंक्शन, हमारे पास एनर्जी जो कि इंसिडेंट कर रहा है, इंसिडेंट है देखो एनर्जी है, ये वर्क ई नॉट है, तो इंसिडेंट जो एनर्जी कर रहा है वो कर रहा है एच 2 μ, एच 2 μ एनर्जी इंसिडेंट कर रहा है, तो कितना बचेगा, तो एच 2 μ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, दैट इज एच μ प्लस काइनेटिक एनर्जी,
तो यहाँ से माइनस कीजिएगा इसको, जब माइनस कीजिएगा तो ये बचेगा एच म्यू, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू एच म्यू। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर मेरे पास हम बताए हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वी मैक्स स्क्वायर होता है, तो टू एम टू को मल्टीप्लाई करते हैं, टू एच म्यू अपॉन एम हो जाएगा, तो अंडर रूट में आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास वी मैक्स। देखो आंसर आ गया, समझा समझाते आंसर आ गया, पता नहीं चला कि आंसर आने वाला है, लेकिन समझा समझते समझाते समझाते आंसर भी आ चुका है हमारा। तो आंसर इज टू एच म्यू अपॉन एम होल अंडर रूट। ओके क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ज्यादा इस टाइम आने के चक्कर में ना सारा का सारा चीज गड़बड़ा आता है, मेरा गड़बड़ा है मतलब, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, तो 15 क्वेश्चन देखते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों के सामने, पढ़ देता हूँ मैं। द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा पी ऑफ अ फोटोन ऑफ सेम एनर्जी आर रिलेटेड बाय। अब इस रिलेशन को कोई याद बच्चा कर ले तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, एकदम याद कर लेना चाहिए इस रिलेशन को। लेकिन पहले देख लेते हैं कि होता क्या है। तो एनर्जी ऑफ क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन, एंड एनर्जी ऑफ क्या बोल रहा है, फोटोन, है ना, और लैम्डा बोल रहा है, एनर्जी बोल रहा है, दोनों का इक्वल है और लैम्डा दोनों का दिया हुआ है हमें। तो ध्यान रखिएगा ना कि जब भी लैम्डा देना, तो लैम्डा हम लोग जब भी निकालते हैं ना, तो लैम्डा जब भी बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं ये वेवलेंथ के लिए होता है। क्या होता है, ये वेवलेंथ के लिए होता है। एक रूल बता देता हूँ, थंब रूल है ये, थंब रूल इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसे ना, बिकॉज ये कोई लिखा हुआ कोई ऐसा कोई लॉ नहीं है, कोई ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, कोई टीचर नहीं बताता इसे, ये एक थंब रूल है कि जो हर जगह लगभग लगभग चल जाता है, इट्स गुड, यू कैन यूज इट। ओके, इसको एक दिमाग में बैठा नहीं लेना है, सर पूछे एग्जाम में वॉट वी यूज फॉर इलेक्ट्रॉन, सो दिस वी यूज फॉर इलेक्ट्रॉन ना, ये वो चीज नहीं है, इट्स अ ट्रिक टाइप थिंग विच यू कैन फिट इन योर माइंड, इट इज, इसलिए मैंने इसे कहा ये थंब रूल है। ध्यान रखिएगा कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन जब पूछ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ पूछ रहा है, और वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का तभी हो सकता है जब ये वेव के रूप में बिहेव करे, सिंपल सी बात, वेव के रूप में बिहेव करे। एंड इसीलिए हम लोग जब भी लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो हम लोग इसको एच अपॉन एम ऑफ इलेक्ट्रॉन वी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एच अपॉन पीई लिखते हैं, ये हो गया मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस ढंग से हम लोग लिखते हैं। लेकिन जब लैम्डा ऑफ फोटोन लिखते हैं तो भले हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है हम लोग फोटोन और ड्यूअल नेचर में पढ़े हैं, लेकिन डी ब्रॉगली साहब ने ये रिलेशन डिफाइन ही वैसे पार्टिकल्स के लिए किया था जो कि दिखते पार्टिकल हैं, लेकिन कभी कभी वो वेव लेंथ को भी रखते हैं, यानी कि वेव नेचर को भी वो रखते हैं। वेव नेचर तभी ना आएगा जब वेव लेंथ, वेव लेंथ तभी ना आएगा जब वेव नेचर होगा, तभी वो वेव लेंथ को रखते हैं जब वो वेव नेचर शो करते हैं। तो इसी जब लैम्डा ऑफ पी लिखना रहता है ना, यानी कि फोटोन लिखना रहता है, पी से करता हूं, फोटोन नहीं है, फोटोन है, तो फोटोन लिखना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग एच सी बाय लैम्डा वाला केस से करते हैं, तो एच सी अपॉन ई करके लिखते हैं इसको। तो ये थंब रूल है, इसको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, कभी ई के जगह आपको अल्फा दे सकता है, प्रोटॉन दे सकता है, ये चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कि दीज आर ऑल्सो पार्टिकल्स, अल्फा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, दीज आर ऑल्सो पार्टिकल्स, बट दे कैन ऑल्सो हैव वेवलेंथ, दे कैन ऑल्सो हैव वेव नेचर, बिकॉज देयर मास इज वेरी वेरी लेस and velocity is very very high, and this is why we use this formula in them. बस यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन से हो जाएगा, लेकिन फोटोन के लिए जब भी हम लोग लिखना रहे तो ऐसे लिखना रहता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी सारे क्वेश्चन इसी ढंग से आते हैं, मैं दिखाऊंगा आप लोग को। अभी क्या बता रहा था मैं, अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि एच अपॉन, सॉरी एच अपॉन रूट अंडर हो जाएगा 2ME, कोई दिक्कत इसमें, ये मोमेंटम वाला ही मैंने लिख दिया यहाँ पे, सब सही है। अब देखो फोटोन के लिखोगे तो एच सी अपॉन ई लिखाएगा, है ना, सब सही। तो अब जरा देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम लोग यहाँ पे, कि अगर मैं इसको ऐसा कहूँ कि इसको मैं स्क्वायर कर दूँ, मैं पहले इसको स्क्वायर करता हूँ, इसको स्क्वायर करता हूँ मैं अगर, तो ये वाला बीच से हटाओ, इसका कोई काम नहीं है अभी मेरे पास, ठीक है ना, इसको हटाओ, ये पूरा का पूरा स्क्वायर हो जाएगा, फिर जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2ME, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, बिल्कुल सही। तो E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो हम यहां से, क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा ऑफ P, मैं P लिख रहा हूं अभी यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में खाली खाली P लिया हुआ है, पीएच नहीं लिखा हुआ है, पीएच हटा देता हूँ, क्यों समझा रहा था मैं, इसलिए लिखा था। अभी इस रिलेशन को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं,
तो लैम्डा ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m। ई क्या है, एच सी डॉट लैम्डा पी लिखाएगा, एच से एच कट जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो लैम्डा ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच अपॉन 2mc डॉट लैम्डा पी लिखाएगा, कोई दिक्कत। अब ये देखो क्या है हमारे पास, सब सही है ना। हाँ सब सही है, चलो ठीक है। तो अब देखो ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्पीड ऑफ लाइट है, और ये एच है जो हमारे पास एच है, ठीक है। तो अभी ये देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का मास था, ये इलेक्ट्रॉन का मास था, यहाँ पर जो मास ऑफ प्रोटॉन, तो फोटोन तो आया नहीं, वैसे ही फोटोन का मास हम लोग जीरो लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। तो हमारा क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, कि हमारा जो लैम्डा ऑफ ई का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा ऑफ पी है, यानी फोटोन है। याद रखिएगा, इसे हेल्प करेगा आपको आगे क्या क्वेश्चन आता है हमारे पास नेक्स्ट ईयर 2018-19-20 का कभी भी, तो शायद इससे रिलेशन करके आपको दे सकता है क्वेश्चन। ओके, फोटोन का दे देगा, पूछ लेगा इलेक्ट्रॉन कितना है, कितना परसेंटेज है, तो स्क्वायर कर दीजिएगा, अंडर रूट कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी स्मार्ट एंड वर्क हार्ड।